Hi guys, I'm Priyanka. Welcome or welcome back to my channel. How are you guys? So today's video is an amazing video. बहुत ही प्यारा सा एकदम मस्त वाला Amazon home decor haul लेकर आई हूँ मैं आपके लिए. मैंने over the period of time कुछ कुछ चीज़ें accumulate की हैं Amazon से जो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ share करनी चाहिए. तो बहुत ही amazing और unique stuff है जो कि अभी तक मैंने भी किसी YouTube channel पर नहीं देखा है, और अगर आपने भी नहीं देखा है तो इस video में आपको मिल जाएगा. और बिल्कुल budget friendly, rental friendly सारा setup है, सब कुछ है. सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना. इससे मुझे हेल्प मिलती है और आपके लिए मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ सकती हूँ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अब मुझे किसी भी चीज़ के प्राइसेस याद नहीं है, तो मैं सब चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. प्लस मैं आपको सारे के सारे प्राइसेस स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. और अभी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं. तो अगर आप मेरे चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पीछे की बैकग्राउंड आज बहुत डिफरेंट लग रही होगी. तो उसका पहला रीज़न ये है, एकदम नया सेटअप. आप देख सकते हो कि मैंने ये कुछ विंटेज लुकिंग फ्रेम्स ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, और आई लव अमेज़ॉन. अमेज़ॉन की डिलीवरी सर्विसेज परफेक्ट. मतलब मैंने रात को शायद 1 या 2 बजे ऑर्डर किए थे ये, और मुझे नेक्स्ट डे रात के 9 बजे तक ये मिल गए थे. मतलब जस्ट लव इट. अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पिक्चर्स हैं ये एक्चुअल में पोस्टर्स नहीं हैं, बट प्लाईबोर्ड काइंड ऑफ, मतलब कार्डबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं. लाइक सॉलिड है ये, नॉट क्लम्जी पेपर. और बहुत ही प्यारे लगे मुझे, विंटेज लुकिंग लगे. और मुझे किस तरीके का सेटअप चाहिए था, बहुत ज़्यादा कलरफुल हो रहा था पूरा स्टूडियो, तो मुझे वाइट और ब्लैक एंड वाइट में कुछ सेटअप चाहिए था. तो मुझे ये मिले. ये एक्चुअल में 6 का सेट था, तो मैं पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगी. बट दो जो पिक्चर्स हैं वो रिपीटेड थी, तो मैंने इसको 5 की तरह लगाया है इस तरीके से. जो गिटार वाली पिक्चर है दैट वॉज रिपीटेड, तो मैंने सोचा कि 5 ही रखते हैं एंड गिटार को मैं कहीं और लगा दूंगी. सो या, तो पहली चीज़ है ये. इस तरीके से मैंने और भी बहुत सारे फ्रेम्स ऑर्डर किए, फ्रेम्स मतलब इस तरीके की पिक्चर्स ऑर्डर की हैं. बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई मीन प्राइस रेंज के हिसाब से इट्स ब्यूटिफुल. और प्लस इसके पीछे डबल टेप है, तो वो आपको उसके लिए नेल्स नहीं लगाने पड़ेंगे. मतलब मैं अपने रेंटल अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यही चीज़ मुझे बुरी लगती है कि मैं कहीं पिक्चर अगर मुझे कोई लगानी है तो मुझे पहले कील लगानी पड़ेगी, ड्रिल करना पड़ेगा, देन आई कैन पुट इट. बट इसके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डबल टेप आती है, तो बस आपको टेप उतारनी है और आपको ये लगा देना है. तो इसी के जैसे सिमिलर मैंने अपने लिविंग रूम के लिए कुछ ऑर्डर किए हैं, तो मुझे मेरे लिविंग रूम की जो एस्थेटिक है वो ब्लू और ग्रीन में है, तो मुझे उस तरीके से ही फ्रेम मतलब पिक्चर्स चाहिए थी, पोस्टर्स चाहिए थे. तो मैंने ये वाले ऑर्डर किए हैं अपने लिविंग रूम के लिए. बहुत ही क्यूट और बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग पिक्चर्स हैं ये. अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई है. मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है इन सब पिक्चर्स के बाद. लेकिन इनको आप उतार के दोबारा कुछ नया लगा सकते हो और कोई आपको हैसल नहीं होगी. इट्स जस्ट अ डबल टेप एंड गुड रेंटल फ्रेंडली होम डेकोर हो जाता है आपका. जो नेक्स्ट होम डेकोर आइटम है वो भी एक वॉल डेकोर ही है, जो कि हैं ये हेक्सागनल की शेप में ये 3 पीस आए हैं. दीज आर ब्यूटिफुल. अभी तक इनको मैंने लगाया नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि इस तरीके से डबल टेप आती है इसके पीछे, एंड आपको बस डबल टेप का ये स्टिकर निकालना है और इसको हैंग मतलब चिपका देना वॉल पे, एंड इट इज़ सॉर्टेड. तो आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसे 3 और ऑर्डर करके कलाज टाइप बना दूँ, तो इट वुड लुक ऑसम. मुझे अभी जगह नहीं मिली है घर में कि इनको मैं कहाँ लगाऊँ, बट दे वर टू प्रिटी टू मतलब मैं उसको बाय नहीं करूँ. और प्राइस वाइज यार कितने सस्ते पड़ते हैं, बाई गॉड. मतलब मैंने फिर फ्रेम्स ऑर्डर करके उनमें पिक्चर्स प्रिंट करवा के भी लगाने की कोशिश की है मेरे पुराने सेटअप में, अगर आप लोग को पता हो तो, अगर आपने मेरी वीडियो चेकआउट नहीं की है तो. एनी तो या आई लव. नेक्स्ट इज एन अमेजिंग होम डेकोर आइटम. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में. एक्चुअली व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर आई डिडंट ब्रिंग माय फर्नीचर हियर बिकॉज उसकी शिफ्टिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, एंड दैट्स अ होल लॉन्ग स्टोरी, विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. सो
आई गॉट दीज सोफाज जो कि मतलब बिल्कुल वेस्ट थे. मेरे ब्रदर के पीजी में पड़े थे ये सोफ़ा और उनको कोई बायर नहीं मिल रहा था कि कोई उनको बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पे ले ले. तो थोड़े से डैमेज थे ये जो सोफ़ा थे. तो मैंने ट्राई करने के लिए आई सॉ दिस स्ट्रेचेबल सोफ़ा कवर जो कि मुझे अमेजोन पे मिला. आई एम इन लव विद इट. मतलब ओरिजिनल हालत जो सोफ़े की थी प्लस अब जो वो बन गया है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई लव इट. इट कम्प्लीटली चेंज्ड द लुक ऑफ माई लिविंग रूम. यू कैन सी इन दिस क्लिप आई लव्ड द कलर. इट्स इन ब्लू एंड फ्लोरल ब्लू. ब्लू के ऊपर फ्लोरल है तो ये कम्प्लीटली इतनी नीट लुक देता है सोफ़ा को. प्लस आप यूज़ करने के बाद उसको फिर से इंसर्ट कर दो तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा. इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है. तो इसके साथ पैर करने के लिए मैंने ग्रीन कलर के प्लेन कुशंस लगाए क्योंकि सोफ़ा कवर ऑलरेडी फ्लोरल था. तो मैंने ग्रीन कुशन कवर्स लगाए हैं कुशंस पे और दो कुशंस रखे क्योंकि मिनिमल लुक चाहिए था मुझे. सो आई लव्ड इट. मतलब देखो, अगर आपका सोफ़ा बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है और आप उसको नए लुक देना चाहते हो या आप बोर हो चुके हो उसी को देख देख के, तो आप इस तरीके का कवर ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये स्ट्रेचेबल होता है. तो आपको टू पीस थ्री पीस सोफ़ा जो होता है, थ्री सीटर टू सीटर, उसके लिए साइजेस के हिसाब से आपको मिल जाएगा. एंड देर आर डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल, बट मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था तो आई ट्राइड दिस वन एंड आई एम इन एब्सोल्यूट लव. ये जो क्लॉथ है वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और एक साइड पे इलास्टिक टाइप लगा होता है तो आप उससे पूरा का पूरा सोफा कवर कर सकते हो एंड इट विल लुक ब्यूटीफुल. और थर्मोकोल की रॉड्स टाइप आती हैं जिससे आप इंसर्ट कर इसको टाइट कर सकते हो बिल्कुल सोफा को एंड इट लुक्स अमेजिंग. नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल लैम्प विच आई बॉट फ्रॉम अमेजोन. ये बहुत ही ज्यादा तामझाम वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक पोल है, उसके ऊपर एक लैम्प है. ब्यूटीफुल, मिनिमल एंड इट सर्व्स द पर्पस. तो इस लैम्प को मैंने इसलिए लिया बिकॉज हमारे लिविंग रूम में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है. तो आई वॉन्टेड एन एलिमेंट जो कि एक वार्म इफेक्ट दे वहाँ पर, लाइक वार्म लाइटिंग हो थोड़ी सी. एंड व्हेन वी स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स तो एकदम से लैम्प की लाइटिंग परफेक्ट हो जाए. सो दैट इज़ वाई आई बॉट दिस लैम्प. बिल्कुल मिनिमल है और मुझे कॉर्नर के लिए चाहिए था, ना ज़्यादा तामझाम, कुछ नहीं. सो या उसके लिए मैंने ये लैम्प लिया एंड इट वॉज वेरी वेरी अफोर्डेबल. प्लस इस पर बल्ब वॉर्म टोन में लगा दिया, दूसरा भी लगा सकते हो, एलईडी लाइट्स भी लगा सकते हो. तो इट्स योर चॉइस आपको किस तरीके के चाहिए, बट ये लैम्प मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड यू कैन ग्रैब दिस वन. ये बहुत ही प्रिटी लुक दे देता है आपके कॉर्नर को. आप इसके साथ एक बुक शेल्फ रख सकते हो, बट वी डिडंट वॉन्ट अ लॉट ऑफ स्टफ इन आवर होम तो हमने वो सब नहीं किया. सिर्फ एक लैम्प है कॉर्नर पे. वी समटाइम्स कीप अ प्लांट देयर, मतलब एरिका पाम या कुछ ऐसा प्लांट रख देते हैं वहाँ पर, बट अभी आजकल के टाइम पे वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैम्प है एंड दैट्स द होल सेटअप. नाउ अगर आपने मेरा लिविंग रूम और स्टूडियो टूर देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन चेक आउट द वीडियो हियर. सो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो. अगर एंड यू गाइज मस्ट बी नोइंग, जिन्होंने देखा है कि आई हैव यूज अ लॉट ऑफ वुडन पैलेट्स टू डेकोरेट माई प्लेस. तो मैंने वुडन पैलेट से एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के लाइक थ्री स्टैक करके मैंने एक टेबल, सेंटर टेबल काइंड ऑफ बना लिया है बिकॉज आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन सेंटर टेबल. उन वुडन पैलेट्स को कवर करने के लिए, जस्ट टू गिव देम अ नीट लुक, मैंने ये टेबल कवर लिया है अमेजोन से. इट इज़ अगेन ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल. सो द सेकेंड वन इज दिस. मुझे एक और टेबल के लिए चाहिए था. ये नॉर्मल नेट में टेबल कवर है, बिल्कुल सिंपल सा, इट लुक्स ब्यूटिफुल. और ये शायद अमेजोन के ही ब्रांड का है. ये सोलेमो ब्रांड का है जो कि आई गेस अमेजोन का ही ब्रांड है, विच इज़ रियली नाइस. क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और टेबल टॉप्स के लिए काफ़ी सुंदर लगता है. वुडन में है मेरे टेबल्स, मैंने दो तीन उस तरीके के टेबल्स बनाए हैं घर पे, तो DIY किए हैं. तो उसको कवर करने के लिए इट लुक्स ब्यूटीफुल. सो नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल सा क्लोथिंग रैक विच आई यूज फॉर माई वीडियो. अब ये एक डेकोर पीस भी है प्लस इट सर्व्स द पर्पस क्योंकि कई बार क्या होता है, शूट से पिछली रात या शूट से पहले मुझे कपड़े सॉर्ट करके रखने होते हैं कि वॉट ऑल आई वुड बी नीडिंग इन द वीडियो, क्या क्या चाहिए होगा. तो मैं इस पर हैंग कर देती हूँ एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि वाइट कलर में, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द बैकग्राउंड ऑफ माई वीडियोज. यू गाइज हैव कॉम्प्लीमेंटेड इट. और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई गेस 999 की रेंज में था ये क्लोथिंग रैक. बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, लाइक आप अपने हैवी कोट्स नहीं इस पर हैंग कर सकते, बट फॉर माई ड्रेसेज एंड ऑल और साड़ीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा चल जाता है एंड आई लव दिस वन. सो या दिस इज़ वन अनदर थिंग आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. और ये जो क्लोथिंग रैक है ये मतलब पाइप्स की फॉर्म में आता है और इसकी शेल्फ्स भी वो सिंथेटिक की बनी हैं, वो
कवर वाला कपड़ा नहीं होता सिंथेटिक का, उस तरीके की शेल्स बनी हैं, तो आपको बस असेंबल करना होता है और व्हील्स हैं इसके इस क्लोथिंग रैक में. सो इट्स नॉट अ वेरी स्टडी वन बट इट सर्व्स द पर्पज वेरी नाइसली, सो आई लव इट. द नेक्स्ट थिंग इन दिस डेकोर हॉल इज दिस ब्यूटिफुल साइड टेबल विच आई यूज इन माई वीडियोज टू, की साइड पर कुछ रखने के लिए एक छोटू सा साइड टेबल. इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, मतलब 300-400 की रेंज में है ये आई गेस. तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल वन और आई लव इट बिकॉज इसको फोल्ड करके आप साइड पर बेड के नीचे भी रख सकते हो, मतलब अगर आपको नहीं चाहिए ये एंड इट इज जस्ट लुकिंग एज अ क्लटर. लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि एक तो वुडन वाइब में है तो एक बोहो इफेक्ट देता है पूरे स्पेस को, प्लस इट लुक्स ब्यूटिफुल. सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक ऑल दिस स्टफ जो भी मैंने अमेजोन से लिया. इसके अलावा भी मैं अमेजोन से बहुत ज़्यादा ऑर्डर करती रहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट डिलीवरीज हैं, अगेन रेविंग अबाउट दिस फैक्ट कि उनकी डिलीवरीज बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, तो अमेजोन से ऑर्डर करना कन्वीनियंट रहता है. सो या आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डू देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है exponential.u. एंड कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस वीडियो में प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड डू लेट मी नो. सो या आई होप यू गाइज आर हेल्दी एंड सेफ एट होम. सो या बाय एंड टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.